नमस्कार, मैं जिब्राइल जरार खान। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केरल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायकों ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का घेराव किया। उन्होंने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते हुए पोस्टर भी दिखाए। इस दौरान राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी साथ ही खड़े थे। विधानसभा के मार्शलों ने राज्यपाल के लिए रास्ता बनाया और उन्हें उनकी सीट तक ले गए। तकरीबन 10 मिनट के बाद मार्शलों ने बल प्रयोग पर विपक्षी सदस्यों को हटाया और राज्यपाल के लिए आसन तक रास्ता बनाया। राज्यपाल के आसन तक पहुंचते ही राष्ट्रगान बजाया गया और विपक्ष के सदस्य आसन के समीप एकत्रित हो गए और राष्ट्रगान पूरा होने के तुरंत बाद ही उन्होंने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब राज्यपाल ने संबोधन शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विधानसभा से वॉकआउट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधायकों को समझाते हुए वापस जाने की अपील भी की। अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा है कि मैं नागरिकता कानून के खिलाफ इस पैराग्राफ को पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा चाहते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि ये नीति या कार्यक्रम के तहत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सरकार का दृष्टिकोण है और इसकी इच्छा का सम्मान करना मेरा फर्ज बनता है। मैं इस पैराग्राफ को पढ़ने जा रहा हूं। विपक्षी नेता रमेश चेन्नीथाला ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान CAA वापस लेने के लिए पारित किए गए प्रस्ताव को लेकर केरल विधानसभा का उपहास कर रहे हैं। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। वो RSS और भाजपा के हाथ की कठपुतली हैं। बता दें कि रमेश चेन्नीथाला ने पहले कहा था कि वो राज्यपाल को हटाने की मांग से जुड़ा प्रस्ताव केरल विधानसभा में पेश करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथाला ने आरोप लगाया है कि CPM और राज्यपाल के बीच गुप्त समझौता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ जारी भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में होनी है। वो इस मामले में केंद्र सरकार की मदद चाहते हैं। 14 जनवरी को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अपील की थी। सरकार ने इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग भी की थी। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन साफ कर चुके हैं कि राज्य में CAA और NRC यानी राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण लागू नहीं होगा। केरल सरकार का कहना है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। CAA खिलाफ केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने इसे प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का उल्लंघन करार दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं केवल रबर स्टैंप नहीं हूं। राज्यपाल ने कहा था कि मुझे केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को लेकर कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे सूचित नहीं किया और उन्हें शायद मुझे सूचित करना चाहिए था। संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद मुझे इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।